नमस्कार, मी पूजा. टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आजचा आपला विषय आहे फॉस्फरस आधारित स्पेशलिस्ट केमिकल्स आणि अॅग्रिकेमिकल्स सेवा देणारा दृष्टिकोन. आणि या विषयावरच आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत स्मित पटेल. सगळ्यात आधी मी तुम्हाला सरांची थोडक्यात ओळख करून देते. डॉक्टर स्मित पटेल हे एक यशस्वी व्यावसायिक आहेत. स्मित पटेल हे 1999 पासून केमिकल आणि अॅग्रोकेमिकल या व्यवसायामध्ये कार्यरत आहेत. ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर या व्यवसायामध्ये उतरलेले आहेत. संध्या ग्रुप ऑफ कंपनीजचे सर संचालक सुद्धा आहेत. आतापर्यंत सरांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा विविध पुरस्कारांनी सन्मानित सुद्धा करण्यात आलेलं आहे. सरांचं बीकॉम जे आहे ते मुंबई युनिव्हर्सिटीमधनं, एमबीए जे आहे ते ऑस्ट्रेलिया, तर डॉक्टरेट ही पदवी सरांनी फ्रान्स युनिव्हर्सिटीमधनं पूर्ण केलेली आहे. त्याचप्रमाणे संध्या चॅरिटेबल ट्रस्ट असेल, संध्या मल्टीस्पेशलिस्ट क्लिनिक असेल, संध्या फाउंडेशन अशा वेगवेगळ्या संस्थांचे सर ट्रस्टी सुद्धा आहेत. सर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया. सर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. मला हा विषय थोडक्यात समजावून सांगायचा आहे प्रेक्षकांना, कशा पद्धतीनं तुम्ही समजावून सांगाल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही कंपनी जी आहे ती कधीपासून नेमकी सुरू केली आणि या कंपनीचं नेमकं उद्दिष्ट काय आहे याबद्दल प्रेक्षकांना काय सांगता येईल. संध्या ग्रुप कंपनी स्टार्टेड मेरे फादर ने शुरू की थी प्रॉब्ली इन 1984 में फॉर द पर्पज ऑफ विजन ऑफ फॉस्फरस केमिस्ट्री एंड एग्रोकेमिकल्स. तो सिंस उसका विजन, डैडी का विजन था कि आगे स्पेशलिटी केमिकल्स का फ्यूचर अच्छा है, तो दैट्स अ रीज़न वो केमिकल्स में एंटर हुए हैं. एंड बेसिकली एवरी ईयर हम एक एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते गए हैं. बेसिकली लाइक यू नो जो ये प्रोडक्ट है हम फार्मा केमिकल्स को देते हैं, अपना डाइज इंटरमीडिएट्स को भी होता है, एग्रोकेमिकल्स है, प्लास्टिक डिवीजन है, ये सब जगह यूज़ होता है. एंड बिसाइड दिस एवरी ईयर लाइक यू नो नॉर्मली वी हम एक एक प्रोडक्ट को नया लॉन्च करते जा रहे हैं. दैट्स अ रीज़न हमारे पास आज करीबन मोर देन अराउंड 40 प्रोडक्ट्स है इन अवर बकेट. एंड इन 1984 हम संध्या एक बड़ा सा लीप लिया है एंड वी एंटर इन टू एन एग्रोकेमिकल बिजनेस जहाँ हम कुछ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एंड जिंक फॉस्फाइड बनाते हैं जो बेसिकली इट्स फॉर फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होता है एंड रोडेंट कंट्रोल के लिए होता है. एंड बेसिकली ये प्रोडक्ट हम अराउंड 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली. And we have been recognized for that basic. नक्की. जसं तुम्ही सांगताय की 1984 पासून तुम्ही या कंपनीची स्थापना केली, सगळ्यात आधी वडील या कंपनीमध्ये होते आणि आता पुढे जाऊन 1999 पासून तुम्ही ही कंपनी सांभाळलेली आहे, तर मला असं विचारायचं आहे कोणत्या प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते तुमच्या कंपनीमध्ये बनवले जातात याबद्दल तुम्ही सविस्तर काय सांगू शकता. संध्या ग्रुप में हम करीबन ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 45 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अभी. बेसिकली जैसे कि हम स्पेशलिटी केमिकल्स जैसा अवर हमारा मेन है तो हम फॉस्फरस बेस में हम फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड बनाते हैं, फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, फॉस्फरस पेंटोक्साइड बनाते हैं, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड एंड पॉलीफॉस्फिक एसिड बनाते हैं जो हमारे स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन है. बिसाइड हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अगेन वो फॉस्फरस डेरिवेटिव्स बेस है, जैसे कि अपना TPP है, TNPP है, DPDP है, डाइफिनल आइसोडिसाइल फॉस्फेट है, हमारा जो कम प्लास्टिक का जो एक ब्रांड है जो सैनफोर्स के नाम पे है, जहां हम सैनफोर्स 437 बनाते हैं, 481 बनाते हैं, 418 एंड बिसाइड हम एक कुछ फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, अगेन वो भी एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स आता है जो अपना ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बोला जाता है, ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट भी बोला जाता है एंड CDPP बोला जाता है. बिसाइड दिस जैसे हमने बताया कि हम एग्रोकेमिकल्स में बनाते हैं जो हमने एक सैनफोर्स ब्रांड से जो हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है एंड रेटिल है जो हमारा जिंक फॉस्फाइड बेस्ड प्रोडक्ट है. बिसाइड्स हमने लास्ट ईयर कुछ दो नए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस किए हैं जो हमारे रोडेंट्स कंट्रोल के लिए यूज होता है, जैसे कि ब्रोमोलिन केक है और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट बनाए थे. नक्की. जसं तुम्ही सांगितलं की 45 म्हणजे 45 प्रोडक्ट तुम्ही आतापर्यंत लॉन्च केलेले आहेत, तर मला असं विचारायचं आहे प्रत्येकाला उत्सुकता लागून राहिलेली असेल की कुठे तुमच्या शाखा आहेत का याबद्दल काय सांगू शकता. हां येस, हमारा शाखा ऑल ओवर इंडिया बेस है बेसिकली, की हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो हमारा बॉम्बे में है, वी हैव अवर ब्रांच ऑफिस हमारे दिल्ली है, अहमदाबाद है और हैदराबाद बेस है. बिसाइड दिस हमारे जो ब्रांचेस है इट्स ऑल अक्रॉस इंडिया है, आप चेन्नई है, हमारा गुंटूर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वी इवन हैव ब्रांचेस इन लखनऊ एंड पंजाब बेस है. नक्की. जसं तुम्ही सांगताय की मुंबई, दिल्ली, गुजरात अशा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तुमच्या शाखा आहेत, या सगळ्या शाखा तुम्ही कशा हँडल करता
याबद्दल तुम्ही काय सांगू? हम बहुत सिंपल कंसेप्ट मॉड्यूल पे वर्क करते हैं बेसिकली. ऑल हमारे ब्रांचेस जो भी है इट इज़ वेल कनेक्टेड हमारे सिस्टम में है. ऑल और हर एक ब्रांचेस के हमने एक मैनेजर हमारा होते हैं. वी हैव एक हमारी टीम होती है बेसिकली टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स बेसिकली. एंड एक पॉलिसी डिफाइन की हमने बेसिकली कि वो पॉलिसी बेस पे ही हमारे जो ब्रांचेस के होते हैं दे वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. आतापर्यंत तुमची ही कंपनी कार्यरत आहेत आणि जवळजवळ 45 प्रोडक्ट तुमच्या 45 प्रोडक्ट तुमच्या या कंपनीमध्ये बनवले जातात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तुमच्या शाखा सुद्धा आहेत. तर मला आता असं विचारायचं आहे की साधारण किती एम्प्लॉई तुमच्या या कंपनीमध्ये काम करतात? अच्छा, हमारे संध्या ग्रुप में करीबन ऑलमोस्ट मोर देन 500+ एम्प्लॉई है बेसिकली. जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे में है, वी हैव एम्प्लॉय ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 70+ बेसिकली. जो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस है जो गुजरात में है बेसिकली, दैट्स इन वापी में करीबन मोर देन अराउंड 220+ एम्प्लॉय है अभी एज ऑफ नाउ. एंड बाकी हमारा जो दूसरा है सरीगाम बेस हमारा जो दूसरे का ऑफिस है कुछ भी अराउंड समवेयर अराउंड 140+ है. बिसाइड दिस जैसे हमने आपको बताया कि हमारा ब्रांच ऑफिस है वेयर वी हैव एम्प्लॉय ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 40+ एम्प्लॉय. एंड मार्केटिंग स्टाफ है बिसाइड जो फील्ड स्टाफ होते हैं जो करीबन ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 22-30% जो ऑलवेज अक्रॉस इंडिया. नक्कीच, तुमच्या कंपनीमध्ये इतके सारे एम्प्लॉई काम करत असतात आणि त्यांना तुम्ही कशा पद्धतीने हँडल करता हे तर आम्हाला सांगितलं. तुमची कंपनी तुम्ही कशी हँडल करता याबद्दल सुद्धा तुम्ही प्रेक्षकांना सांगितलं. मात्र किती वर्ष झाली, किती इयर्स झाले तुम्ही या कंपनीमध्ये किंवा या व्यवसायामध्ये उतरलेले आहात याबद्दल प्रेक्षकांना आणखीन काय सविस्तर मार्गदर्शन करू शकतो? येस, हमारा संध्या ग्रुप जस्ट 34 इयर्स हम इस बिझनेस में है. हमने जस्ट लास्ट मंथ 30th ऑफ जून वी कम्प्लीटेड 34 इयर्स एंड अभी 35 इयर्स इन हमारा प्रोग्रेस है एंड आगे फ्यूचर्स अच्छा काफी दिख रहा है. नक्की, 34 वर्ष जवळजवळ म्हणजे 34 इयर्स जवळजवळ तुम्ही या व्यवसायामध्ये उतरलेला आहात आणि आज तुम्ही एक यशस्वी उद्योजक, एक यशस्वी बिझनेसमॅन सुद्धा आहात. तर तुम्हाला त्याच दृष्टिकोनाने मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की पुढील 5 वर्षांनंतर म्हणजे आफ्टर 5 इयर्स तुम्ही तुमच्या कंपनीला कुठल्या स्तरावर बघू इच्छिता याबद्दल काय सांगा? डेफिनेटली 5 आय थिंक डेफिनेटली कोई कंपनी का एक विजन होता है, ये होता है कि वी वॉन्ट टू बी वन ऑफ रेकग्नाइज एज अ स्पेशलिटी केमिकल्स इन द वर्ल्ड बेसिकली एंड वी वॉन्ट टू बी अंडर द टॉप 3 केमिकल्स ऑन द मॅन्युफॅक्चरिंग फॅक्टर्स स्पेशलिटी केमिकल्स. नक्कीच, आजपर्यंत तुम्हाला 34 वर्ष झालेली आहेत म्हणजे खूप मोठा पल्ला तुम्ही आतापर्यंत गाठलेला आहे आणि पुढच्या 5 वर्षाचं जे विजन आहे ते सुद्धा तुम्ही आता ठरवलेलं आहे. तर मला असं विचारायचं आहे की आगामी जे प्रोडक्ट आहेत तुमचे ते तुम्ही कोणते बिझनेसमध्ये उतरवणार आहात किंवा कुठले प्रोडक्ट जे आहेत नवीन प्रोडक्ट ते तुम्ही लॉन्च करणार आहात? येस, हमारे लास्ट हमारे एजीएम में हमने डिसाइड किया था की एज अ कंपनी की वी आर गोइंग टू लॉन्च 5 इयर्स विजन प्रोडक्ट बेसिकली हमने किया था. उसमें आई थिंक हमारा एक नया प्रोजेक्ट जस्ट गोइंग टू अभी स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर में, विच शुड बी रेडी बाई नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, जो वेरी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है जो दुनिया में बनाने वाले बहुत ही कम ये है. एंड बिसाइड दिस मैं ये माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वी वुड बी एंटरिंग इनटू अ पेस्टिसाइड बिजनेस. जो हमारे फॉर्मुलेशन डिवीजन रहेगा वुड बी रेडी बाय समवेयर अराउंड नेक्स्ट ईयर मिड में, और उसमें हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे. करीबन ऑलमोस्ट 120 प्रोडक्ट हमने जो ये किया है और गवर्नमेंट अप्रूवल्स आ चुके हैं, तो वी वुड बी वेरी सक्सेसफुली बी एंटरिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट जैसे पेस्टिसाइड्स में आते हैं. बिसाइड दिस हम करीबन टेक्निकल पेस्टिसाइड्स में भी हमारा आगे का ये है. तो ये सब हमारे जो 3-4 साल के जो प्रोग्राम होते हैं तो वो हमने वो हिसाब से डिसाइड किया हुआ है. नक्की, जसं तुम्ही म्हणताय की 34 वर्षापासून तुम्ही व्यावसायिकतेमध्ये उतरलेला आहात आणि पुढच्या 5 वर्षाचं विजन जे आहे ते सुद्धा तुमच्या कंपनीनं ठरवलेलं आहे. व्यवसाय जसा तुम्ही वाढवताय नेमकी व्यवसाय वाढवण्याची काय टेक्निक आहे, काय आयडिया आहे याबद्दल काय सांगू शकता? सी डेफिनेटली इसके लिए नॉर्मली यू नीड टू बी आपके प्रोडक्ट या इकोनॉमिक स्केल अच्छी रहनी चाहिए बेसिकली. इट हैज़ टू बी कस्टमर रीच बेसिकली. और सबसे बेस्ट है कि आप जितने भी प्रोडक्ट बनाते हो इट हैज़ टू बी रीच इन टर्म्स ऑफ वायबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए बेसिकली. एंड बिसाइड दिस जैसे आप बताया गया हो कि ये प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं वी आर गोइंग टू लॉन्च इन अ गुड एंड बेटर वे ऑल अक्रॉस इंडिया. नक्कीच, आज तुम्ही इतकं मोठं यश संपादन केलेलं आहे तर या यशाचं श्रेय जे आहे ते तुम्ही कोणाला द्याल?
से ओके डेफिनेटली माय फादर एंड माय मदर बेसाइड दिस माय फैमिली जो हमारे इतने और ब्रदर है सिस्टर है माय डेफिनेटली माय यंग टीम जो हमारे इतने आई थिंक विजन्स को हम आगे लेके जा रहे हैं बेसाइड दिस हमारे कलीग्स है फ्रेंड्स है माय स्कूल फ्रेंड हु जो हमने इतने साल हमको मोटिवेट किया हु हैज ऑलवेज बीन बाय माय साइड एंड मोटिवेट ऑल अक्रॉस एंड दैट्स अ रीजन आई एम हियर नक्कीच मला वाटतं तुमच्या या कंपनीबद्दल आणि एकंदरीत तुमच्या सक्सेसबद्दल अजून सविस्तर जाणून घ्यायचं आहे मात्र इथे एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतोय तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहा टॉक टाइम टॉकटाईममध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे फॉस्फरस आधारित स्पेशलिस्ट केमिकल्स आणि अॅग्रोकेमिकल्स सेवा देणारा दृष्टिकोन आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर स्मित पटेल लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या कंपनीचं श्रेय नेमकं कोणाला देताय तुम्ही ही कंपनी कधीपासून सुरू केली आणि या कंपनी घेऊन तुम्ही बिझनेसमध्ये कधी उतरलात यासंबंधित सगळं मार्गदर्शन आम्हाला केलं मात्र हे सगळं करत असताना आज तुम्ही कुठेतरी एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन आहात याबद्दल तुम्हाला काय सांगावं असं वाटतंय प्रेक्षकांना की कसं होऊ शकतो आपण एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन सक्सेसफुल बिझनेस के लिए आय थिंक डेफिनेटली यू नीड टू आप अपने R&D को काफ़ी अच्छी तरह से रहनी चाहिए बेसिकली ताकि आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हो ताकि यू कैन लाइक यू नो बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट डेफिनेटली बिसाइड अपना टेक्नोलॉजी जो आज बेसिकली इंडिया की नॉर्मली जो इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो बिना टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट लाइक यू नो कॉम्पीट और आप सर्वाइव नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी डेफिनेटली प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज आप अपग्रेडेड हमेशा रखिए करके बिसाइड दिस आप जो अपनी जो टीम कोर टीम होती है दे आर योर वर्क फोर्स बेसिकली तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव योर गुड टीम टू रन द शो बेसिकली लाइक यू नो एंड बिसाइड दिस आप बोल सकते हो कि एक लीडरशिप क्वालिटीज रहनी चाहिए किसी को लाइक यू नो टू रन द शो बेसिकली लाइक यू नो नक्कीच जसं तुम्ही म्हणताय की 34 इयर्स झाले तुम्ही आत्ता या क्षेत्रामध्ये आहात किंवा हा व्यवसाय करताय
या 34 वर्षामध्ये तुम्ही बरेच अप अँड डाऊन्स तुमच्या व्यवसायामध्ये पाहिले असतील, ते जर तुमचे शेअर करायचे झाल्यास प्रेक्षकांबरोबर तुम्ही कशा पद्धतीने शेअर कराल, काय पॉईंट्स तुम्ही सांगू शकता याबद्दल? अप्स अँड डाऊन्स तो डेफिनेटली हर एक बिझनेस मे होता है बेसिकली, बट एक आपका एक पॉजिटिव अप्रोच हो विथ लुकिंग एट दी दिस वन, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का एक रास्ता होता है नॉर्मली टू ओवरकम दी एनी प्रॉब्लम बेसिकली. तो आप अगर आपका फोकस और आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो और इफ़ यू आर वेरी मच क्लियर ऑन योर पॉसिबिलिटीज, तो आप हर एक चीज़ को आप आराम से क्लियर कर सकते हो. सी एस आर एक्टिविटीज बद्दल बोलायचं झाल्यास तुम्ही काय सांगू शकता? सी एस आर, हाँ, संध्या का हमारा एक सी एस आर हम बहुत साल से कर रहे हैं. ये हमारा एक प्राइम ये है बेसिक एजेंडा है हमारे कंपनी बेसिकली, नॉट ओनली दिस वन बट इसका फोर्स बिहाइंड है माई मॉम, जो आई थिंक सी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट बेसिकली, और ये हम उसी के नाम पे ये प्रोजेक्ट चलाते हैं जो हमारा संध्या चैरिटेबल ट्रस्ट है. उसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑल राउंड ईयर करते हैं बेसिकली. वी डू इट जैसे कि हम मेडिकल कैंप करते हैं बेसिकली, हम सभी लोगों को जो ये होता है वी गिव अ फ्री ट्रीटमेंट टू देम. हम आई कैम्प करते हैं बेसिकली, जहाँ हम फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं बेसिकली टू, एंड बिसाइड दिस हम हमारे हैंडीकैप जो होते हैं वी इवन डिस्ट्रीब्यूट्स व्हील चेयर ऑल अक्रॉस बेसिकली जो हमारे इसमें रहते हैं. बिसाइड हम काफ़ी सारे अदर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि हमने 2 साल पहले हमने एक हमारा एक वापी का अपना जो एक सरीगांव में एक छोटा सा एरिया है मरोली बोला जाता है, जो आई थिंक इट्स अ मोस्ट एक्सीडेंट प्रोन जोन था. तो वहाँ काफ़ी सारा एक्सीडेंट्स होता है बिकॉज रोड बहुत अच्छे थे बेसिकली, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते थे. तो हमारे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई थी कि आप कुछ करिए इसमें कि क्या हो सकता है. तो आई थिंक वी टू के इनिशिएटिव हमने एक वो रोड को अच्छी तरह स्टडी किया है. हमने वहाँ एक हमारा संध्या का एक ये बनाया, हमारा सर्कल बनाया हुआ है, और हमने तो वो बेस पे आई थिंक हमारा काफ़ी सारा आई थिंक आप देखोगे लास्ट 2-3 ईयर्स में एक एक्सीडेंट्स टोटली नेग्लिजिबल हो गया, इट्स ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो गया. तो दैट वाज अवर वन ऑफ ग्रेट दिस वन. बिसाइड्स एजुकेशन जो हमारे ट्रस्ट बिलीव करते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टू डेज लाइफ बेसिकली लाइक यू नो. तो हम बच्चे लोग को जो होते हैं हम उसको स्कूल बुक्स देते हैं, बैग्स देते हैं बेसिकली. बिसाइड दिस हमारे जो जो अच्छे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम उसको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं. तो हम लास्ट कब आई थिंक 20 साल से तो प्रॉब्ली हम एवरी ईयर हम 2 जन को वी प्रोवाइड देम अ फ्री स्कॉलरशिप टिल द ग्रेजुएशन इज डन बेसिकली. बिसाइड दिस हम वुमन लेडीज़ को भी हम एम्पावरमेंट के लिए कुछ हम ये देते हैं बेसिकली. एंड हमने लास्ट ईयर हमने कुछ स्पेशल क्लिनिक सेटअप किया है जो आपकी हेल्थ रिलेटेड और दिस वन वेरी सब्सिडाइज रेट में बेसिकली किया जाता है बेसिकली. तो दैट्स अगेन वन ऑफ आवर मेन कंसेप्ट, और ये टोटली मॉनिटर करती है माय मदर बेसिकली. नक्कीच नक्कीच. मला वाटतं आणखीन युवा पिढीला जर तुम्हाला सल्ला द्यायचा असेल एक चांगला बिझनेसमॅन होण्यासाठी तर तुम्ही काय द्याल याबद्दल तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय. मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे, लगेचच भेटतोय. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा टॉप टाइम.
नमस्कार, मी पूजा. टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. लगेच चर्चेकडे वळूया. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही कंपनी कशी सुरू केली, आज तुमच्या कंपनीला 34 वर्ष झालेली आहेत याबद्दल सुद्धा तुम्ही सांगितलं, मात्र मार्केटिंग चॅनल आहे ते तुम्ही कशा पद्धतीने हँडल करता याबद्दल काय सांगू शकता? सी, बिझनेस मे मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता है बेसिकली. लाइक यू नो इट ऑलवेज मार्केटिंग के बिना आप आगे कभी अपना बिजनेस और ब्रांड प्रमोशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो वी ऑलवेज लाइक यू नो एज एनी कंपनी उसका एक प्रमोशन के लिए ऑलवेज एक ये होता है, स्ट्रेटजीज होते हैं बेसिकली. तो यस, वी डू लॉट ऑफ थिंग्स हमारे उसमें होता है. हम काफ़ी सारे शोज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारे लोकल शोज होते हैं, केमिकल्स के होते हैं, पेस्टिसाइड्स के होते हैं, एग्रोकेमिकल्स के भी होते हैं, इवन प्लास्टिक जो भी होते हैं. और आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और एग्जाम्पल कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है. तो ये हिसाब से यू कम टू नो कि क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही है. आपका एक पीआर एक अच्छा डेवलप होता है आप जब भी ये करते हो बेसिकली. बिसाइड दिस हम काफ़ी सारे टेक्निकल सेमिनार्स करते हैं, हम डेमो सेशन के भी अपने करते हैं. फील्ड स्टाफ हमारे जो जाते हैं फील्ड्स में लेके जो हमारे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है टेक्निकल्स होते हैं बेसिकली, तो काफ़ी सारा ये हमारा हजार्डस प्रोडक्ट है तो उसको उन लोग को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी. तो दैट्स द रीज़न कि हमारे टेक्निकल लोग जाके वो उन लोग ट्रेनिंग भी देते हैं बेसिकली. बाकी हम बेसिकली हमारे जो मीडिया है जो लोकल मीडिया होते हैं वहाँ भी हम थोड़े से एडवर्टाइजमेंट से पब्लिसाइज करके नॉर्मली हमारे ब्रांड को वी ट्राई टू मेक इट दिस वन. एंड बिसाइड दिस हम काफ़ी सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे कि हमारे जो कोई भी केमिकल मैगजीन्स होते हैं, जो प्रिंट मीडिया होते हैं, हम उसमें भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं बेसिकली. नक्कीच. मला आता शेवटचा असा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की युवा पिढीला, यंग जनरेशनला जर तुम्हाला या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सल्ला द्यायचा असेल एक चांगला बिझनेस वुमन किंवा बिझनेसमन होण्यासाठी, तर काय द्याल? ॲज अ बिझनेसमॅन आय डेफिनेटली लाईक टू I'm not the right person to advise, but definitely मैं बोलूँगा कि it's a India definitely is a growing economy. काफ़ी सारा opportunities है, government की तरफ से बहुत सारा supports है. Make in India government मोदी जी ने जो चलाए हुए है, I think काफ़ी सारे young generation is coming into basically thing, जैसे IT sector है, बहुत सारे sectors है which are doing excellent right now. And Indian economy के हिसाब से things are going very well. तो definitely मैं young इसको बोलना चाहूँगी कि आप definitely be positive what you are thinking, like you know आप जितना हो सकते हो you be to passion से आप अपना काम करिए basically. आप जितने passion से करोगे that will have your much effect on your future business definitely. And you have to be active at all the time basically. आप जो भी informations जो भी होता है लाइक यू नो जो आप जो इंडस्ट्रीज हो तो यू डेफिनेटली हैव टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम्स. न्यू आइडियाज डेफिनेटली वुड ऑलवेज प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. नक्कीच. मला वाटतं तुम्ही आज इथे आलात आणि एकंदरीत ॲग्रोकेमिकल्स बद्दल तुमची कंपनी सध्या कशी काम करते आणि एखाद्या युवा पिढीनं व्यवसायामध्ये कसं उतरावं याबद्दल इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलंय त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. नमस्कार. थँक्यू. टॉक टाइम मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत.